नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भस्म आरती के दौरान महाकाल मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके पुत्र औप विधायक आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला को भस्म आरती से ठीक पहले महाकाल दर्शन कराने को लेकर मुख्य पुजारियों को रोक दिया गया और इसको लेकर पुजारियों ने जमकर हंगामा किया। तो बता दें, महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान कैलाश विजयवर्गीय मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान वीआईपी दर्शन होने के दौरान पुजारियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद गुस्सा पुजारियों ने काफी हंगामा किया। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय के वीआईपी श्रद्धा पर यह विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय की वजह से आरती लेट हो गई और इसीलिए वहां पर मौजूद पुजारियों ने काफी हंगामा भी किया। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियों और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। बता दें, 14 अगस्त की रात यानी कि आज रात 11 बजे से नोएडा से दिल्ली में किसी भी तरह के मालवाहक और कमर्शियल वाहनों की एंट्री नहीं होगी। साथ ही भारी, मध्यम और हल्के सभी तरह के वाहनों की एंट्री नहीं दी जाएगी और ऐसे में 15 अगस्त के कार्यक्रम की समाप्ति तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है। साथ ही पुलिस ने रास्ते को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। पुलिस के मुताबिक चिल्ला रेड लाइट से दिल्ली में एंट्री कर दूसरी जगह जाने वाले गाड़ियों को चिल्ला रेड लाइट से यू टर्न लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जाना होगा। वहीं डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री को लेकर दूसरे राज्यों में जाने वाली गाड़ियों को भी डीएनडी से यू टर्न लेना होगा और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर आगे जाना होगा। वहीं जरूरत पड़ने पर अन्य गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। मुंबई पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर को व्हाट्सएप पर धमकी दी है। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि इस बात की शिकायत नार्वेकर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नारनवाले से की है, जिसके बाद ये मामला जांच के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि नार्वेकर को एक अज्ञात फोन नंबर से व्हाट्सएप आया जिसने कुछ मांग लिखी थी और इसके अलावा उसने एक धमकी भी दी थी कि अगर वो इनकी मांगों को नहीं पूरा करेंगे तो उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआईए या फिर दूसरे केंद्रीय सरकारों की एजेंसी से जांच कराई जाएगी और उन्हें फंसाया जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप मैसेज के मिलते ही नार्वेकर ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को दी और फिर लिखित में भी शिकायत की है। आपको बता दें कि नार्वेकर शिवसेना के सेक्रेटरी हैं और ठाकरे परिवार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 477 लोगों की जान भी गई है, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दे दी है और ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले बता दें, 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। वहीं एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ी थी। शुक्रवार को 2521 एक्टिव केस बढ़े हैं और ये बीते 8 दिन में सबसे ज्यादा है। वहीं 5 अगस्त को बता दें, इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और साथ ही अभी भी बता दें 3,81,000 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है और सबसे ज्यादा मामले केरल में ही दर्ज हुए हैं। यहाँ 20,452 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 16,886 लोगों ने इस बीमारी को मात दे दी है। यहाँ पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं और इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 मरीज कोरोना से रिकवर हुए थे। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए अब आपको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या फिर 72 घंटे के
भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा। अगर दोनों नहीं है तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में आपको रखा जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को दो शर्तों में से एक का पालन करना होगा। और पहली शर्त है कि जो लोग महाराष्ट्र जाना चाहते हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा और इसमें वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है। यानी कि आज या कल अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज पूरी की हैं तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी शर्त के मुताबिक 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी आपको दिखानी होगी। इसके अलावा दोनों में से किसी एक भी शर्त को अगर पूरा नहीं करने पर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ रहती है जैसे कि होटल, लॉन्च, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ढाबे, मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चेकिंग बढ़ा दी गई है। वहीं DIG इरशाद वली ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लावारिस वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने पर भी पुलिस को सूचित करने की बात कही गई है। वहीं बता दें भोपाल की सीमाओं पर आने जाने वाले वाहनों की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। साथ ही रेलवे और बस स्टैंड पर आने वाले लोगों की भी चेकिंग की जा रही है और जो भी व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है उससे पुलिस कर्मियों द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। वहीं हैकिंग का भी खतरा है तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बता दें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अन्य प्रदेशों में भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। साथ ही रायपुर से आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आए दिन दबंगों की दबंगई के मामले सामने आ रहे हैं। दबंगों की दबंगई से जुड़ा एक और मामला अमेठी में सामने आया जहां पर शकुल बाजार से सामने आया ये मामला जहां पर उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल उप जिलाधिकारी ने दबंगों के जरिए मकान खाली करवाया, वहीं मकान में रह रहे परिवार की पिटाई भी की, साथ ही मकान में तोड़फोड़ भी की जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले पर कोई कार्रवाई होती है या फिर इस मामले को भी ऐसे ही दबा दिया जाता है। तो बता दें उप जिलाधिकारी की दबंगई देखने को मिली है सोशल मीडिया पर, यह वायरल बड़ी तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें उप जिलाधिकारी की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल बता दें कि उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना की ये दबंगई है। दरअसल उप जिलाधिकारी ने दबंगों के जरिए मकान भी खाली करवा लिया, वहीं मकान में रह रहे परिवार की पिटाई भी कर दी जिसका वहां पर किसी ने वीडियो भी बना लिया। हालांकि जो परिवार मकान में रह रहा था उस मकान में भी काफ़ी तोड़फोड़ कर दी और वहां पर मौजूद लोगों से मकान भी खाली करवा लिया। वहां पर मौजूद किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस्ती के थानाध्यक्ष कलवारी अरविंद्र कुमार शाही, प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक मजहर खान और सर्विलांस सेल बस्ती की संयुक्त टीम की तरफ से भट्टा मालिकों और पेट्रोल पंप मालिकों को अपनी मोबाइल से बैंक का संदेश भेजकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित तीन अभियुक्तों को बस्ती मुखबिर की सूचना पर थाना कलवारी क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है और साथ ही तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल एक फर्जी बैंक का मैसेज बनाकर ये लोगों को भेजा करते थे और लोगों से ठगी भी किया करते थे। हालांकि पुलिस ने काफ़ी सामान भी इनसे बरामद किया है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई ATM कार्ड और पैसे भी हैं जो पुलिस ने इनसे बरामद किए हैं। हमारे जनपद के साइबर सेल की टीम ने थाना कलवारी और थाना लालगंज की पुलिस के साथ में मिल करके एक ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके तीन मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग गोंडा के रहने वाले हैं।
इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये किसी ईंट भट्टा मालिक को या पेट्रोल पंप मालिक को पहले जा कर के उससे कहते थे कि मेरे पास ट्रकों का ठेका है या मेरे पास किसी जगह पे इमारत बनाने का ठेका है और मुझे आप 100 ट्राली या 150 ट्राली ईंटा दे दीजिए और मैं आपको पहले ही पेमेंट कर दूँगा। उसका बैंक अकाउंट ले करके जो बैंक ट्रांजेक्शन का एक मैसेज होता है उसको एडिट करके उसके फ़ोन पर डाल देते थे और अक्सर ये कोशिश करते थे कि शनिवार के शाम को ये काम किया जाए ताकि जब बैंक बंद हो जाए। और ऐसे व्यापारियों को चयनित करते थे जो ज़्यादातर बैंक तक कम ही जाते थे, उनके कर्मचारी जाते थे, फिर उनको झांसे में लेकर के ये कहते थे कि आपके पास मैंने ज़्यादा पैसा भेज दिया है, मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मुझे उसमें से 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपये वापस कर दें। तो कुछ लोग इनके झांसे में आकर के वो कैश में रुपया वापस कर देते थे, उसके बाद ये लोग भाग जाते थे। क्योंकि इसके बारे में जब हमें जानकारी हुई, पेट्रोल पंप मालिक और जो ईंट भट्टा मालिक हैं जो पलवारी थाना क्षेत्र और लालगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी सूचना के आधार पर फौरन मुकदमा पंजीकृत किया गया और हमारे साइबर सेल की टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इनकी पहचान करी और इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है जहां पर अलीगंज पुलिस बेरहमी से दो युवकों को लाठी डंडे से मारते हुए नजर आ रही है। दरअसल अलीगंज पुलिस की मार से दोनों युवकों की हालत गंभीर हो गई। वहीं दोनों युवकों की अस्पताल ले जाने के दौरान ही एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बता दें अलीगंज पुलिस के इस कारनामे के बाद यूपी पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। तो बता दें अलीगढ़ का यह पूरा मामला है अलीगंज का, जहां पर पुलिस की बर्बरता देखी गई है। पुलिस ने बेरहमी से दो युवकों को मारा है। हालांकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन पुलिस की बर्बरता यहां पर साफ तौर पर देखी गई है। और अस्पताल ले जाते वक्त एक युवक ने दम भी तोड़ दिया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। तो बता दें अलीगंज पुलिस ने युवकों के साथ काफी बर्बरता की। हालांकि पुलिस ने इन युवकों की पिटाई क्यों की इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लखनऊ का यह पूरा मामला है जहां पर पुलिस की बर्बरता देखी गई है। अलीगंज में ये पुलिस ने बेरहमी से दो युवकों की लाठी डंडों से पिटाई की और इतनी ज़्यादा पिटाई की कि दोनों युवकों की हालत गंभीर हो गई। वहीं जब इनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं बता दें इस पूरी घटना के बाद से एक बार फिर से यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। सवालों के घेरे में यूपी पुलिस आ गई है। हालांकि पिछले साल भी कई सारी ऐसी यूपी में घटनाएं घटी थी जब यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आई थी, चाहे वो बिकरू कांड हो या फिर कानपुर का एक और मामला हो, तब भी यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। और एक बार फिर से जब लखनऊ में इस तरह की घटना हुई है, अलीगंज में ये घटना हुई है, एक बार फिर से यूपी पुलिस पर सवाल उठने लाजमी हैं और सवाल उठ रहे हैं। मथुरा में इंडिगो एयरलाइंस की बंगलौर से बरेली की सेवा आज शुरू होने जा रही है। पहली उड़ान मथुरा के पायलट आकाश सोलंकी ऑपरेट कर रहे हैं। बता दें पायलट आकाश सोलंकी ने बरेली से अपनी पढ़ाई की है और आकाश को अपने बड़े भाई से प्रेरणा मिली जो दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस के एयरबेस A380 विमान के पायलट हैं। आकाश के पिता चंद्रभान सिंह रेलवे से रिटायर्ड हैं और दोनों बेटों की शिक्षा में उनका बड़ा योगदान रहा है। बता दें कि आकाश ने सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि खेल जगत में भी ऊंचाइयों को छुआ है। आकाश शूटिंग के नेशनल प्लेयर भी रहे हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स के ट्रायल भी दे चुके हैं और अब आकाश फ्लाइंग को अपना करियर और शूटिंग को अपना टारगेट मानते हैं। तो बताते हैं इंडिगो एयरलाइंस बेंगलोर से बरेली की सेवा आज से शुरू हो रही है और ऐसे में पहली उड़ान मथुरा के पायलट आकाश सोलंकी ऑपरेट करेंगे। हालांकि आकाश के भाई भी पायलट हैं दुबई एयरलाइंस में और उनसे ही आकाश को भी प्रेरणा मिली है। हालांकि आकाश बता दें शूटिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ऐसे में आकाश अब दोनों ही चीज़ में अपने करियर का काफ़ी
करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शूटिंग के नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स के ट्रायल भी दे चुके हैं आकाश। और ऐसे में अब एक बार फिर से आकाश के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है और आज से इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलोर से बरेली की सेवा जो शुरू हो गई है, तो पहली फ्लाइट को ऑपरेट आकाश ही करेंगे। मथुरा के रहने वाले हैं, जबकि आकाश के पिता, बता दें आकाश के पिता का योगदान बहुत बड़ा रहा है उनके यहाँ तक पहुँचने के पीछे, और आकाश के पिता रिटायर्ड हैं, तो ऐसे में दोनों बेटों ने उनका नाम रोशन कर दिया है। ग्रेटर नोएडा नामी सीमेंट कंपनियों का टैग लगाकर नकली सीमेंट बेचने वाले को बादलपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं कब्जे से दो नामी कंपनी के टैग लगे 250 कट्टे नकली सीमेंट समेत ट्रैक्टर ट्रॉली भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं पकड़ा गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर नकली सीमेंट के कट्टों पर नामी कंपनी का टैग लगाकर बिक्री किया करते थे। तो बता दें नकली सीमेंट बेचने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसके तहत पुलिस को सफलता मिली है। जबकि अभी बता दें मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और ये लोग नकली सीमेंट बेचा करते थे और कट्टे पर कंपनी का टैग लगाकर लोगों को चूना लगाने का काम ये लोग करते थे और नकली सीमेंट बेचा करते थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर में नकली सीमेंट भरकर ये युवक जा रहा था, लेकिन पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने पकड़ लिया इस युवक को। लेकिन अभी भी इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके में पूरनपुर पुलिस की तरफ से गश्त के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। ये फायर पुलिस की गाड़ी में जा लगी और उस समय गाड़ी पर इंस्पेक्टर पूरनपुर और उनके हमराही मौजूद थे। इस हमले की मैं बता दें किसी को भी चोट तो नहीं आई, लेकिन इससे एक बात तो जरूर साफ हो गई है कि गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद थे। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले को गंभीरता से अब देखा जा रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। तो बता दें पीलीभीत का ये पूरा मामला है, जहां पर गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और ऐसे में गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं इस घटना से साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन गौ तस्करों के हौसले किस तरह बुलंद हैं ये इस घटना से साफ तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही बता दें जब गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर गाड़ी पर फायरिंग की, उस दौरान गाड़ी में मौजूद जो लोग थे, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को भी इस पूरी घटना के दौरान चोट नहीं आई, लेकिन गौ तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हाजी रियाज अहमद के घर की लड़ाई अब मैदान में आ गई है। दरअसल पहले हाजी रियाज अहमद के बेटे शान अली ने समाजवादी पार्टी से 127 सदर सीट से अपना दावा ठोका। उसके बाद हाजी रियाज के दामाद और शान अली के जीजा मोहम्मद आरिफ ने भी इसी सीट से समाजवादी पार्टी से लड़ने का दावा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाजी की विरासत में ही मैं ही संभालना चाहता हूं। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की बात कही थी। वहीं दामाद होने के नाते मुझे हर जगह आगे करते हैं। वहीं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा है। तो बता दें पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर की लड़ाई अब सबके सामने आ गई है और ऐसे में लगातार उनके दामाद दावेदारी का कह रहे हैं कि वही दावेदारी करेंगे और ऐसे में पूर्व कैबिनेट के घर की जो लड़ाई थी वो सबके सामने आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके दौरान उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि
हाजी की विरासत में मैं ही उन्हें संभालना चाहता हूं, इस विरासत को अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की बात भी कही है। वहीं दामाद होने के नाते मुझे हर जगह आगे वो करते रहे थे। और वहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता दें कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा था। जो 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे पूरी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में तराई तराई फैली हुई, हर मुद्दे पर ये सरकार फेलियर साबित हुई है। चाहे चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे गुंडागर्दी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। अब हमारा काम इस सरकार की जो खराब पॉलिसी थी जिससे जनता में जन आक्रोश की स्थिति उत्पन्न है, जन जन तक पहुंचाना है। हरदोई में अभिभावक की कोरोना से मौत होने का सर्टिफिकेट न होने पर भी अनाथ बच्चों को शासन की मदद मिलने में दिक्कतें नहीं होंगी। दरअसल प्रदेश में ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य लागू कर दी गई है और इसमें अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसकी जानकारी हरदोई के जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना वायरस से प्रभावित हुए बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है और इन बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जा रही है। इसके बाद भी वो बच्चे इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे थे, जिनके माता पिता या किसी एक की भी मृत्यु कोरोना काल में तो हुई है लेकिन उनके पास कोरोना से मृत्यु होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता और उन्हें लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य शुरू की गई है। इसमें 1 मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनके पास कोरोना से मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र भी क्यों ना हो। सरकार ने एक नई योजना लाई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो 1 मार्च 2020 के बाद उनके माता या पिता या दोनों कोविड-19 के अन्य कारणों से, कोविड-19 नहीं किसी भी अन्य कारणों से एक्सपायर हो गए हों और बच्चे अनाथ हो गए हों, तो उनके लिए राज्य सरकार ने ये तय किया है कि परिवार के 2 बच्चों को 18 वर्ष तक 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी प्रतिमाह। और यदि बच्चा 12 पास करके और किसी डिग्री कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेता है तो ऐसे बच्चों को 23 वर्ष तक सरकार ये सहायता देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।